गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो टुडेस टॉपिक इज वर्ड ऑफ बर्ड, है ना। तो लास्ट जो प्रीवियस क्लास था हमने क्या पढ़ा था, बर्ड के बारे में, उनके बॉडी पार्ट के बारे में, व्हाई बर्ड फ्लाई, बर्ड क्यों फ्लाई करते हैं, उनके अंदर उनके बॉडी पार्ट में ऐसा क्या है कि वो फ्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मुझे बताइए क्या है उसके एग्जाम्पल। हेलो, उनके पास है ब्रीक है, विंग्स है, फेदर्स है, फीट है, उनके जो बोन्स है वो कैसे है, हैलो है, फिल विद एयर। हमने लेकिन लास्ट जो प्रीवियस क्लास था वहाँ पे पढ़ा है, है ना। हमारा मेन टॉपिक क्या है अभी, फेदर। तो हमारे बॉडी सॉरी बर्ड के बॉडी पार्ट क्या है, हेड, ब्रीक, विंग्स, फेदर, टेल एंड फीट। तो हमारे हम क्या पढ़ेंगे अभी, फेदर के बारे में। तो डिफरेंट बर्ड हैव हैव फेदर ऑफ डिफरेंट कलर। फेदर्स हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, दे आल्सो कीप द बॉडी वार्म। फेदर्स ऑफ सम बर्ड आर ऑयली सो दैट देयर बॉडी डज नॉट गेट वेट। टाइप्स ऑफ फेदर। सो जो फेदर होते हैं, है ना, पंख, ये भी है ना, ये भी सेल और ये क्या है, फेदर सेल। तो मेनली क्या होता है, ये जो फेदर से वो कर सकते हैं ऑयली होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गीले नहीं होते ज्यादा, है ना, वेटी नहीं होती रेनी सीजन में। नेक्स्ट उसका फीचर क्या है, वो बॉडी को गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। किनकी बॉडी को, हमारे बॉडी को रखते हैं क्या, नहीं, वो बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है। और डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट कलर इन फेदर, है ना। जैसे कि क्रो है वो कैसे होगा, ब्लैक, है ना। पीजन है वो कैसे होगा, व्हाइट। तो डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट कलर ऑफ फेदर। तो हमारा उसका हेल्थ क्या, सॉरी उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो बॉडी को वार्म रखता है और क्या करता है, उनकी बॉडी को वेट नहीं होने देता, मतलब गीला नहीं होने देता, बिकॉज ऑफ ऑयली फेदर्स। हमें पढ़ना है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फेदर। टाइप्स ऑफ फेदर, बर्ड हैव मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फेदर। बर्ड के पास कैसे कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ फेदर। सो मेनली थ्री टाइप्स, विच आर फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। तो हमारे जो तीन टाइप है, तो हम उनके नाम के अनुसार, फ्लाइट फेदर, व्हाट इज फ्लाइट फेदर, जो उड़ने के लिए, फ्लाइट करने के लिए, उड़ने के लिए जो मदद करते हैं वो कौन से होंगे फिर, फ्लाइट फेदर। Those are long feather attached to the wing and the tail bone. They help to bird fly. Those feather are flight feather. Flight feather are long and flat. So, जो flight feather होते हैं उनके नाम के अनुसार वो क्या करते हैं, flight करने के लिए उन्हें help करते हैं। तो वो कहाँ रहेंगे, जो wings है ना, जो bird के wings है वहां पे क्या होंगे, वो फ्लाइट फेदर रहेंगे, ठीक है, विंग्स के ऊपर और टेल के ऊपर। जो हमें लॉन्ग एंड फ्लैट दिख रहे हैं वो कौन से फेदर है बेटा, फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर आर फ्लैट एंड लाइट, कैसे होंगे वो, फ्लैट एंड लाइट होंगे और कहां रहेंगे, विंग्स और टेल के पास रहेंगे। हमें समझ में आया फ्लाइट फेदर्स। नेक्स्ट है डाउन फेदर्स। दोज आर वेरी वेरी स्मॉल सॉफ्ट एंड फर्मली फेदर्स दैट ग्रो क्लोज टू द बर्ड स्किन। दोज फेदर कीप द बॉडी वार्म ऑफ द बर्ड। सो जो डाउन फेदर होते हैं, अभी डाउन मतलब जो नीचे वाले, जो स्किन से अटैच है, हमारे बर्ड की स्किन से अटैच है, डाउन फेदर भी वो क्यों होंगे, क्योंकि हम उनकी बॉडी कैसी होगी, ठंडी रहेगी वो, क्योंकि वो स्काई में रहते हैं, उनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए जो डाउन फेदर है वो रहेंगे। तो वो दोजर स्मॉल, बड़े बड़े होंगे क्या वो, नहीं, वो बहुत छोटे होंगे और स्किन से अटैच होंगे, यहाँ से कमर के पास, नेक के पास, है ना। तो दीज आर डाउन फेदर्स। They act like warm sweater. A newborn bird has lot of down feathers.
जो डाउन फीडर है किसका काम करते हैं, स्वेटर का काम करते हैं। जैसे कि विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं, वैसे ही हमेशा के लिए हमारे बर्ड के पास क्या होते हैं, डाउन फीडर्स होते हैं। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है किसका, बर्ड का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके पास लॉट ऑफ क्या होंगे, डाउन फीडर्स होंगे, क्योंकि उनको भी गर्म रहना है ना, इसलिए ये डाउन फीडर्स, डाउन फीडर होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी फीडर। अभी नाम के अनुसार बॉडी में जो जितने भी बचे हुए फीडर्स है, पंख है, वो क्या होंगे, बॉडी फीडर। दोस फीडर आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, गिव शेप एंड ऑफ द बर्ड बॉडी। जो जितने भी बचे कुचे हैं, जहाँ पे आपको ऑल ओवर द बॉडी दिखेंगे, बर्ड के ऑल ओवर द जो हमें फेदर दिखेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, बॉडी फेदर कहेंगे। क्यों वो रहते हैं, बिकॉज ऑफ द शेप, बर्ड को शेप मिलने के लिए वो बॉडी फेदर रहेंगे। आपको समझ में आया, तो आज हमने क्या पढ़ा है, फेदर के बारे में, टाइप्स ऑफ फेदर के बारे में, फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर और बॉडी फेदर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे।